अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। फसलानसर इलाके में छोटी सी बात को लेकर एक झगड़ा हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फसलानसर इलाके में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। कुछ दिन पहले ये झगड़ा हुआ था, लेकिन वो लड़ाई फिर कल रात में कुछ लोगों ने निकाली और इसमें एक नौजवान जख्मी हुआ। ये दो पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। इससे पहले जब छोटा झगड़ा हुआ था वो बंजारेल में केस हुआ और एफआईआर हुई। उसके बाद कल रात का हुमायूं नगर पुलिस में, जहां पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। ये सारे मामले की वहीं के कुछ मुकामी लोगों ने ये वीडियो जारी की जो हम तक पहुंची। पुलिस को पूरी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। रमजान के इस मुबारक महीने में इस तरह के झगड़े और लड़ाई ठीक बात नहीं। इसीलिए नौजवानों से अपील है कि वो अपने गुस्से पे काबू रखे, ऐसे झगड़े ना करें क्योंकि फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हाँ हाँ नीचे है, चार जनों के हाथ में छह लट डिवीजन फसलानसर से 21 के दिन नाइट में 3 बजे शायरी के टाइम पे मुझे घर को आ रहा था अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग से। ये अली ब्रदर्स के बच्चे गाड़ी रोक के, बीच में गाड़ियां रोक के बैठे हुए थे। गाड़ियां हटाओ बोलने पे हम लोगों में बहस दी। उसके बाद बहस तकरार में लोग पूरे मिलकर उनके घर के पास ही था, वहाँ पूरे मिलकर एक साथ अटैक करें हम लोगों के ऊपर। मैं, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली के साथ हम पे अटैक करने का था। हमने टेल करके पुलिस कंप्लेन करे, पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके वजह से वहाँ से भाग गए। 2 दिन तक पुलिस को तपाने के बाद कल 22 के दिन 10:30 बजे के टाइम पे मेरे शॉप पे हिमायत नगर लिमिट में आके मेरी दुकान पे मेरे भाइयों पे हमला करे। जिस वक्त मैं नमाज में था
हम नमाज छूटने के बाद 10:30 को वहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद हमको ये इत्तला मिली कि हमारे एक भाई को इन्होंने डैमेज करके मार दिए। बोल हमारा भाई बेहोश था जिसका नाम जुनेद है, उनको दवाखाने को लग गए। उसके बाद में अब बंजर एक्सपीरियस में केस बुक हो गया, हम FIR बन गया, FIR 144/223 IPC के तहत इनके ऊपर केसा बुक हो गए 6 आदमी के ऊपर। उसके बावजूद फिर हिमायतनगर लिमिट में हमारे बच्चों को बिठा के रखे और मेरे ऊपर भी केस बुक कराए। लेडीज़ को लेके आ गए, लेडीज़ नहीं थी, लेडीज़ थी, लेडीज़ को हरासमेंट करे बोल के ना केस बुक कराने गए। पुलिस से अपील है कि पूरा जायजा ले आके रोड यहाँ पे स्पॉट पे आके जायजा ले, उसके बाद में हमारे ऊपर केसा बुक करे। हमको गैर जुड़े हमारे के ऊपर केसा बुक कर रहे, बुक करना चाह रहे लोग पुलिस की तहकीकात करके हमारे ऊपर केस बुक करे। अब श्रीनिवास सर से बात करके, श्रीनिवास सर से पूरा कॉपरेट करिए, श्रीनिवास सर कॉपरेट करके मालूम करके कॉपरेट होकर सब चीज़ को जानबूझ के बाद में केस बुक करे। अब इन्होंने वही यहाँ पे भी SI साहब का, SI साहब से हमारी गुजारिश है बंजारा हिमायतनगर के आके यहाँ तहकीकात करे। लेडीज थी नहीं थी, बच्चे हमारे वहाँ थे, हम भी थे, नमाज के बाद आए, हमारा बच्चा इंजर्ड होने का था, हम झगड़ा करें, ये लोग हाँ हाथ उठाए तो है। हम 2 दिन तक हम पुलिस के हाथ से हम बैठे हुए थे कि अरेस्ट करेंगे, इनके घर पे गाड़ियां जा रहे थे, इनकी लेडीज नहीं कर रही थी, इनके बच्चे को इन्हें कट रहे थे। पुलिस को ये सब चीज़ का इल्म है और हमारा बच्चा इंजर्ड हुआ, जुनेद खान इंजर्ड है। हम मजबूरी में सेल्फ डिफेंस में हाथ उठाए जो ना तो हम मर जाते। प्रियाशनी के पास बहुत जुलूम चल रहा है इनका, आने जाने वालों को सबको तकलीफ है, एक आदमी को तकलीफ नहीं, हम बहुत जनों को तकलीफ है। रात दिन कोई टाइम नहीं है इनके वास्ते, इनके बाप दादा चल लेते आ रहा शराब पीना इनके घर में, इनके पास रमजान रोजा भी नहीं है। इन्होंने हुक्का के नशे में करे सोए और दुकान पे जो हमला करा हमारे पास आके, उन्हें गांजा पी के आके हमला करा सोए, उसका नाम सोहेल ने हेडक्वार्टर का है, उन्हें गांजा पी के आके दुकान पे हमला करा रमजान में। हमारे तरफ से हम कुछ नहीं करे साहब, मजबूरी की हालत में हाथ उठाए, रमजान है मजबूरी की हालत में हाथ उठाए, बर्दाश्त करके बोल तेलंगाना हुकूमत से और हिमायतनगर और बंजारा हिल्स हिमायतनगर PS SI साहबों का काम है कि इसका जायजा ले, जायजा लेके कैसा ऊपर है।